तो जो बोल रहा है महान वो कहीं से संत नहीं है, लंट है। जो महंत जो साधु रखा है जी, वो खुदे महंत नहीं है जी। वो तो हमको लग रहा है अपनी नजरिया से जी, कि कहीं आसाराम का चेला तो नहीं है जी। तब इस बात को रख रहा है कि उसकी जीभ काट लिया जाएगा तो 1 करोड़ देंगे जी। तो हमको अपनी नजरिया से लग रहा है कि आसाराम का कहीं ना कहीं वो चेला है। हिंदू धर्म को सर आप इतना भला बुरा बोल रहे हैं, क्या आप हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू काहे को भैया, हम पहले इंसान ना है कि हिंदू आए? हिंदू नहीं है, जीभ काटने को बोल रहे हैं क्या आप? उसको कैसे? अरे हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है भाई, यहाँ लोग सब लोग ऊंच नीच का भावना से ग्रसित रहने वाला है। और आज हम आ चुके हैं रामगढ़ में, और रामगढ़ में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और रामगढ़ कैमूर जिला में पड़ता है और बिहार है, और बिहार में जो है कि काफ़ी सियासी गर्म हो चुका है शिक्षा मंत्री को लेकर के, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं लगातार धर्म जो हिंदू धर्म के कई ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में लिखे हुए जो तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों को गलत साबित कर रहे हैं, और बिल्कुल दावा भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मिल जाता है व्यक्ति जो इन्हें सही साबित कर सके तो मैं उसे इनाम भी दूंगा, और शिक्षा मंत्री को जीभ काटने के लिए एक संत के द्वारा इनाम भी रख दिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है बिहार के राजनीति में भूचाल लेकर के आ चुकी है, और रामगढ़ में कई सारे लोग मौजूद हैं। हम पूछना चाहेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री के ऊपर। नाम सर आपका? हमारा नाम राधेश्याम सिंह यादव है जी, और हम कैमूर बिहार के रहने वाले हैं जी। हाँ, जो अभी शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है वो किस प्रकार से आप उनको देख रहे हैं? हम उनको सशर्त समर्थन कर रहे हैं, हमारा समाज भी समर्थन कर रहा है, पूरे बिहार के लोग जी, जो दबे कुचले दलित पिछड़ा और ये हैं अल्पसंख्यक हैं, वो सब लोग उनके समर्थन में हैं जी। हाँ, क्यों क्या? अरे वो सच्चाई बोल रहे हैं, यहाँ 2000 वर्षों से गुलामी जो थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, उनसे पहले यीशु हों, सुकरात हो, मोहम्मद साहब पैगम्बर साहब हों, उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। गरीब के घर पैदा हुए वो लोग, और सामाजिक लड़ाई लड़ने के क्रम में उन लोगों को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी जी, और सारे लोग कुर्बान हुए। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है जी, और लड़ाई लंबी रहेगी जी। ये किसी मुल्ला और किसी मौलवी का और किसी पंडित का हम लोग विरोधी नहीं हैं, सच्चाई का, सच्चाई को है जो चंद्रशेखर जी ने सामने रखने का काम किया है पूरे बिहार में जी। हाँ, तो हिंदू धर्म के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म में, तो वही ब्राह्मण लोग लिखा है कि राजा सगर की 60 सगर की पत्नी से 60,000 लोग पैदा हुए, हो सकता है का? यही धर्म में लिखना चाहिए जी। कोई अगस्त को कहता है कि समुद्र पी गया, यही होना चाहिए जी। कभी हनुमान को कहता है कि 6 को सूर्य को ली लिया का, सूर्य अप्राकृतिक बात करने वाला, अंधविश्वासी बात करने वाला, हिंदू धर्म हो या कुरान हो या चाहे कोई भी हो, हम लोग सबका उसका विरोध करते हैं। देश कुरान से और पुराण से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और बाबा साहब बीजेपी के राज में पूरा देश जो है कि हिंदू है, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अरे कहाँ, तो यदि हिंदू दिखना हो तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे उनका जब नदी गए मंदिर में तो उसको मंदिर को धुलवाया गया, वो हिंदू नहीं थे राम कोविंद जी जी। अरे ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा डिग्री वाले कोई पैदा नहीं हुआ, उनके साथ भी वैसा हुआ। जब मनु स्मृति को फूकने का काम किए और अपने को बौद्ध धर्म में स्थापित करने का काम किए, तो हम लोग कैसे, हमारे अगुआ जब कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं तो हम कैसे हिंदू हैं? इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, पहले इंसान हैं, और इससे बातों से हम लोग चंद्रशेखर जी के बातों से सहमत हैं। हाँ, पूरे बिहार की जनता सहमत है। जो जातिगत जनगणना बिहार में शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के काफ़ी लोग विरोध में हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, वो उसको रोकने वाला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। जातिगत जनगणना होगी तभी ना पता चलेगा कि कौन कितना नौकरी पर, कौन कितना मंदिर में, कौन कितना मस्जिद में कमा रहा है, उसका सब लेखा जोखा होगा ना, कितना पढ़ा लिखा हमारा समाज है, कितना हम लोगों को हैसियत चाहिए, कितना हम लोगों को जनसंख्या के अनुसार भागीदारी चाहिए, उसको होना नहीं चाहिए, इसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा हमको तकलीफ लगता है कि ये लोग लालू यादव और नीतीश कुमार जब पीक पर थे तब करना चाहिए था, अब इन लोगों का अंतिम स्थिति हो गई है, जब जाने वाले हैं तो अब करा कर का करेंगे, जब सरकार की नौकरियां नहीं बची तो ये जनसंख्या का जो कराई का गिनती का करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हो रहा है तो हम लोग उसका भी सपोर्ट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यादव समाज से और बिल्कुल बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जी का ये सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं और जो जातिगत जनगणना जो बिहार में लागू हो चुका है उसका भी ये समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैं चंद्रशेखर जी जो बयान दिए हैं मैं उनका सपोर्ट करता हूँ कि आज सदियों से लेकर ये हिंदू के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ा पिछड़ा लोगों को ये लोग शोषण अत्याचार किया है। आज भी ये जो चंद्रशेखर जी जो बयान दिए हैं उसको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं, उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है कि समर्थन कर रहे हैं और भी लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, आपका परिचय है? हमारा नाम है राम प्रवेश यादव, घर रामगढ़ है, कैमूर जिला के रहने वाले हैं। शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है बिहार में हिंदू धर्म के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहले तो हम यहाँ सनातन हैं, हिंदू सब तो कहीं लिखा ही नहीं है जी। किसी रामायण, किसी गीता, किसी शुभ सागर में जी। अगर कोई दिखा दे जी। कि हिंदू हम हैं जी। तो हम मान लेंगे जी। तो हम तो सनातन हैं जी। और सनातन के बाद हम इंसान हैं जी। तो इंसान के नाते हम ये कहेंगे कि जितनी भी बातें रामायण और गीता में लिखा गया है जी। जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं तो उसको हमारे शिक्षा मंत्री उजागर कर रहे हैं जी। तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अभी और पढ़ने की आवश्यकता है, गलत बोल रहे हैं। जो कह रहा है वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है जी। जो इस बात को अगर कह रहा है जी। कि शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे नहीं है जी। तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि गया कॉलेज के प्रोफेसर थे जी। और प्रोफेसर पद को रिजाइन दे करके उन्होंने जाकर चुनाव लड़ा है जी। तो उन लोगों से आप कह दीजिए सर कि वो लोग पहले पढ़ करके अपना जितनी रामायण में शब्द लिखा गया है जी। पहले उसको बढ़िया से लोग पढ़े जी। इसके बाद आकर बहस करें बेंच पर। शिक्षा मंत्री का जीभ काटने के लिए करोड़ रुपए का इनाम रख दिया गया है, क्या कह रहे हैं? जो महंत, जो साधु रखा है जी। वो खुद महंत नहीं है जी। वो तो हमको लग रहा है अपनी नजरिया से जी। कि कहीं आसाराम का चेला तो नहीं है जी। तब इस बात को रख रहा है कि उसकी जीभ काट लिया जाएगा तो 1 करोड़ देंगे जी। तो हमको अपनी नजरिया से लग रहा है कि आसाराम का कहीं ना कहीं वो चेला है या भक्त है जी। तब इस बात को कह रहा है, नहीं तो अगर संत होता तो ये बात नहीं कहता जी। हमारे यहाँ भी संत थे, मुसरवा बाबा, उनकी शहादत, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है, उनकी मंदिर हम लोग बनवाए हैं जी। सारे लोग जाकर के शरण का छामी करते थे, लेकिन वे अपनी बाणी से ऐसा सब तो कभी नहीं बोले हैं। तो जो बोल रहा है महान वो कहीं से संत नहीं है, लंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि वैसे संत को जिन्होंने करोड़ रुपए का इनाम रखा बिहार के शिक्षा मंत्री के जीभ काटने के लिए, उन्हें लोग संत नहीं, बिहार के लोग लंट कह रहे हैं। और इस चीज को आप नोटिस करिएगा, बिहार में और भी तमाम चीजें हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ लोगों का कहना है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो बिहार में और जातिवाद बढ़ेगा और जातिवाद को समाप्त करने के लिए जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना से हमारा पता चलेगा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कितनी हमारी हिस्सेदारी है जी। उसके अनुसार हमको उतना भागीदारी मिलनी चाहिए जी। तो जाति जनगणना तो जरूरी है जी। कितने हमारे लोग नौकरी में हैं, कितने नहीं हैं, अरे कितने लोग तो चमार बन करके, मुसार बन करके, धोबी बन करके नौकरी कर रहे हैं जी। तो लोग कौन है? तो वही लोग हैं। तो आज जाति जनगणना जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैं उसके पक्ष में हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि जातीय जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा? जी नहीं। अगर मान लीजिए कि यादव 50 घर हैं और राजपूत भी 50 घर हैं, अपने आप को 50-50 समझ रहे हैं, लेकिन जनगणना में अगर मालूम चल जाता है कि यादव 5 घर ज्यादा हैं, तो क्या 55 अगर वो जान जाएंगे कि हम 55 है और वो 50 है, तो क्या उनके ऊपर हावी नहीं होंगे? कोई किसी पर हावी नहीं होगा जी। सबका अधिकार है बोलने का और हक मांगने का जी। वो तो भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिख दिया जी। और लिख करके साबित कर गए कि संविधान से देश चलता है, न रामायण से चलता है, न कुरान से चलता है, न गीता से चलता है। हिंदू धर्म के तो लोग बोल रहे हैं कि हम जातिवाद अब खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार इसको पुनः जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। अगर यह बात इसी तरह का होता तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद जोगी जी आए जी।
तो जिस महल में अखिलेश जी रहते थे आज जब योगी जाए तो उसको धुलवाए साफ सुथरा करवाए तब जाकर तो उसमें बैठे जी। बिहार में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी जब गया में आए और मंदिर में गए पूजा करने के लिए तो हम मंदिर भी धोवाया गया जी। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या कहना चाहते हैं, हिंदू धर्म का संस्कृति गलत है? गलत है। आप हिंदू नहीं हैं? हम पहले इंसान हैं जी। जब आप इंसान हैं तो फिर जाति जनगणना की मांग आप क्यों कर रहे हैं? जाति जनगणना इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग जा करके उसमें हमारे ही नाम पर नौकरी कर रहे हैं और हमारे लोग रोड पर जो है धूल फांक रहे हैं तो हम तो ही चाहते हैं कि भाई जाति जनगणना हो जी। जिससे उनका उनका पहचान मिले, जो गद्दार है उनका पहचान हाँ आ उनका पहचान हो सके जी। तो ये तमाम चीजें जो है कि बिहार में बहुत सारे लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप इन विचारों को समझने का प्रयास किया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।